तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे फ्रेंच कर्व स्केल की मदद से बाजू का आर्म होल राउंड शेप कैसे बनाएं, बाजू की परफेक्ट सही गोलाई कैसे बनाएं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल न्यू बिगिनर्स हैं, जिन लोगों को बाजू कटिंग करना नहीं आता है, आर्म होल की गोलाई सही से बनाना नहीं आती है। पर आज मैं आपको इस स्केल की मदद से बताऊँगा राउंड शेप गोलाई कैसे बनाई जाती है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो होने वाला दोस्तों। तो मैं हूं अकील खान और आप देख रहे हैं अकील फैशन डिज़ाइनर। तो देखिए इस पेपर पर हम आपको समझाएंगे बाजू का आर्म होल राउंड शेप गोलाई कैसे बनाएं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने पेपर को डबल कर लिया है इस तरीके से। तो देखिए आपके बाजू की लंबाई कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। तो देखिए हमने इस तरीके से इंची टेप को रख लेना है। तो यहाँ पर हम आर्म होल मुड्डा रखेंगे और यहाँ पर बाजू की मोहरी रखेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर बाजू की लंबाई रखूँगा 16 इंच और 16 इंच में आधा इंच और बढ़ाना है, जो हम सिलाई में यहाँ दबाव लेते हैं उसके लिए हमने आधा इंच एक्स्ट्रा कर लिया है। तो 16 इंच बाजू की तैयार लंबाई है, तो हमने 16.5 इंच बाजू की लंबाई का निशान लगा देना है। तो इसी तरीके से आपके बाजू की लंबाई कितनी भी हो सकती है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 जो भी लंबाई है, तैयार लंबाई के हिसाब से आप आधा इंच बढ़ाकर निशान लगाएं। उसके बाद हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा ऊपर के लिए रखेंगे, जो हम तुरपाई के लिए छोड़ते हैं मोहरी के पास, ये देखें। अब उसके बाद हम एक निशान लगाएंगे यहाँ पर 3.5 इंच का, ठीक है। तो हम आपको अभी आगे बताते हैं ये निशान हमने क्यों लगाया है। पहले हम इन निशानों को सीधा कर लेते हैं। तो ये जो हमने निशान लगाया है, तो ये चेस्ट का 12वां भाग होता है। तो बॉडी मेजरमेंट करने के बाद आपका जितना भी चेस्ट आ रहा है उसका 12वां भाग करेंगे और यहाँ से यहाँ तक उतना ही निशान लगा देंगे। अब बात आती है आर्म होल यानी मुड्डा। तो आपके बाजू का मुड्डा कितना भी हो सकता है, तो मैं यहाँ पर 9 इंच का निशान लगाऊँगा इस तरीके से, ये देखें। तो अब आपके बाजू का मुड्डा 9.5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 8.5 भी हो सकता है, जितना भी आपके बाजू का मुड्डा है आप उतना ही निशान लगा दें। अब हमने मोहरी का निशान लगा देना है। तो अब जैसे कि आपके बाजू की मोहरी है 10 इंच, तो हमने 10 का हाफ लगाना है, 5 यानी 5 इंच, ये देखें। उसके बाद हम आपको बताएंगे फ्रेंच कर्व स्केल की मदद से हम यहाँ पर गोलाई कैसे बनाएं। उसके बाद हम स्केल को इस निशान के बराबर से रखेंगे। तो ये जो हम निशान लगा रहे हैं, तो ये हमने एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ना है। आप चाहें तो नाप कर 1.5 इंच एक्स्ट्रा भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद ये हम तिरछा करेंगे इस तरीके से। तो देखिए जो ये वाला निशान है, यहाँ से हमारी सिलाई आएगी। तो देखिए अब आते हैं टॉपिक पर, जो मेन टॉपिक है आर्म होल मुड्डे की गोलाई यानी राउंड शेप कैसे बनाएं। हमने ये जो आर्म होल मुड्डे का निशान लगाया है, यहाँ से स्केल को रखेंगे इस तरीके से और यहाँ से एक तिरछा निशान लगाएंगे इस तरीके से। उसके बाद क्या करेंगे, जहाँ से हमने मुड्डे का निशान लगाया था यहाँ से इंची टेप रखेंगे फिर से। अब एक निशान लगाएंगे आर्म होल का हाफ यानी आधा। तो ये 9 इंच आ रहा है, तो 9 का हाफ होता है 4.5। तो देखिए हमने ये 4.5 का निशान लगा दिया। तो आपका आर्म होल मुड्डा जितना भी है आप उसका हाफ निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान से समझना होगा, अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को दोबारा से भी देख सकते हैं। तो देखिए हमने ये जो हाफ निशान लगाया है, अब इंची टेप यहाँ से रखेंगे। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक आ रहा है 4.5। अब हमें इसका भी हाफ़ कर देना है, तो ये हो गया 2.25, ठीक है। जितना भी आर्म होल है हाफ़ करने के बाद आप इसका भी हाफ़ कर लेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक ये वाली जगह बचती है, इसको भी हम हाफ़ कर लेते हैं। देखिए आर्म होल के पास इंची टेप रखेंगे और ये जो हमने पहले बीच में मार्क लगाया था इसका भी हाफ़ कर लेंगे, तो ये भी 2.25 आ रहा है। तो पहले हमने मुड्ढे का आधा किया, तो ये आधा ये आ गया। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक हमने आधा किया, तो ये आ गया। उसके बाद हमने यहाँ से यहाँ तक आधा किया, तो उसका आधा ये आ गया। तो देखिए हमने यहाँ से ये जो निशान लगाया है, तो हम यहाँ से एक निशान लगाएंगे नीचे के लिए 1/2 इंच में एक सूत कम। तो जैसा कि देख सकते हैं, तो ये 1/2 इंच में एक सूत कम है। उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं, तो अब हमें एक निशान लगाना है ऊपर के लिए 1/2 इंच में एक सूत कम, ये देखें। तो अब देखिए ये फ्रेंच कर्व स्केल अब हमारे काम में आने वाला है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप मार्केट से ला सकते हैं, ये तो जहाँ से टेलरिंग मटेरियल मिलता है वहाँ से आप ख़रीद सकते हैं। अगर आपको दुकान पर ये नहीं मिल पा रहा है, तो मैंने इस पर एक वीडियो बनाया है, जिस वीडियो में मैंने आपको बताया है फ्रेंच कर्व स्केल घर बैठे कैसे बनाएं। तो ये वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है। तो देखिए हमने क्या करना है, हम इस निशान से और यहाँ तक मिलाएँगे इस तरीके। अब हम यहाँ से राउंड शेप बनाएंगे इस तरीके से, ये देखें। उसके बाद हम यहाँ से इस तरीके से बनाएंगे। तो देखिए हम फ्रेंच कर्व स्केल को अब हम ऊपर के लिए रखेंगे इस तरीके से। तो अभी हमने नीचे के लिए गोलाई बनाई थी, अब हम ऊपर के लिए गोलाई बनाएंगे।
तो ये वाली मार्किंग हो गई फ्रंट की यानी सामने की। अब हम बैक की मार्किंग करेंगे, उसके बाद हम आपको कटिंग करना बताएंगे। तो देखिए, अब हमने बैक की मार्किंग कर लेनी है। स्केल का जो ये वाला हिस्सा है, ये हमने यहाँ से बिल्कुल बराबर रखना है इस तरीके से। और ये जो हमने नीचे के लिए निशान लगाया था दो सूत का, तो यहाँ से मिलाएंगे इस तरीके से, हम निशान लगाते हुए ले जाएंगे। तो देखिए, हम यहाँ पर लाने के बाद अब हम थोड़ा सा स्केल को ऊपर को उठाएंगे। ये देखें, इस तरीके से पेन को वहीं रोक लिया हमने, स्केल को थोड़ा सा ऊपर उठा दिया हमने। उसके बाद अब हम स्केल को हटा लेते हैं इस तरीके से, ये निशान ये लगाते हुए ले जाएंगे। तो ये नीचे वाला निशान बैक के लिए हो गया। तो हम पहले बैक की कटिंग करेंगे, उसके बाद हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अकील फैशन डिज़ाइनर चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हम बाहर वाले निशान से यहाँ कटिंग कर लेते हैं इस तरीके से। देखिए, उसके बाद हम एक कट यहाँ लगाएंगे, फिर एक कट हम यहाँ लगाएंगे इस तरीके से, और एक कट हम यहाँ लगाएंगे इस तरीके से। तो ये जो हमने अंदर वाला निशान लगाया था, इस निशान से हमको कट करना है। तो दोस्तों, जब हम सूट के लिए बाजू कटिंग करते हैं तो हम दो बाजू एक साथ कटिंग करते हैं, पर हम यहाँ पर एक बाजू कटिंग करके दिखा रहे हैं। अगर आप दो बाजू कटिंग करेंगे तो आप ऊपर वाले दो पल्ले पकड़ेंगे और नीचे वाले दो पार्ट छोड़ देंगे। ये देखें, तो जो हमने पहले निशान लगाया था उसी निशान से हम कटिंग कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो हमने पार्ट छोटा किया है तो ये हमारा फ्रंट का रहेगा, सामने में जाएगा ये पार्ट, और ये जो हमारा बड़ा पार्ट है तो ये बैक में जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।